भी सारा नहीं है, मेरे को तीन छोटे बेटियां हैं, एक बेटा है मेरा। बहुत ज्यादा जुल्म हो जा रहा है लोगों का मेरे हस्बैंड के ऊपर। गांजा बेचो ने तो गांजा ला के दियो बोल के बहुत ब्लैकमेल कर रहे हैं। आज मार लिए, जान जान निकल जाती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं महजबीन खातून, मेरे हस्बैंड महताबुद्दीन है। मेरे हस्बैंड को जानलेवा हमला हो गया बिस्मिल्ला कॉलोनी, शाही नगर बिस्मिल्ला कॉलोनी में। हमला होने की वजह क्या है? हमला होने की वजह, मेरे हस्बैंड पहले गांजा बेचते थे लेकिन उसके बाद में छोड़ दिए थे उन्होंने गांजा बेचना। तो आदिल बारक अली बारक बकरीद में, बकरीद के बाद से नहीं कर रहे थे उन्होंने, बकरीद में अरेस्ट हुए थे उसके बाद से नहीं कर रहे थे उन्होंने। तो अली बार अकबर जो है ना फोन करके उनको धमकियां दे रहे थे, मेरे को गांजा ला के दियो बोल के बोले थे। तो उन्होंने बोले भाई मैं ये सब काम छोड़ दिया, मैं ऑटो चला रहा हूँ, नहीं तो हमारे घर वाले बहुत ज्यादा लड़े ना हो रहा मेरे से, ये सब काम मैं छोड़ दिया गलत काम बोल के बोले। तो उन्होंने धमकी दिए थे, दो तीन दिन पहले धमकी दिए थे कि ला के दे ना तो मैं तेरे को या तो जान से मार देता हूँ, तो तेरे टांगा हाथा पैरा तोड़ा देता हूँ मेरे बेटे से, आदिल बारक बार से बोल के बोले थे। बोले थे उन्होंने। तो उसके बाद में आदिल भाई को फोन करके बोले कि मेरे हस्बैंड मेहता फोन करके बोले कि देखो भाई आपके वालिद साहब ऐसा बोल रहे बोल के उन्होंने बात करने के लिए बुलाए। तो उन्होंने नहीं आए दो दिन से, लेकिन आज उनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया। उनके भाई करे आदिल बारक भाई के शाही नगर बिस्मिल्ला कॉलोनी में, क्या टाइम पे हुआ? फिर की मंडी करे वो फोर ओ क्लॉक हो रहे थे होंगे, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम मेरे को। ये लोग मिलके मारे आपके? पांच जने मिलके मारे सर। कितने? पांच जने मिलके मारे। नाम मालूम है आप लोगों को? आदिल बारक भाई के भाई है, खालिद है और शाहरुख है, और दो जनों का नाम नहीं मालूम है मेरे को। आपके हस्बैंड कैसी है अभी, तबीयत वगैरह कहाँ पर आपके हस्बैंड अभी? उस्मानिया हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस है सर। मेरा कोई भी सहारा नहीं है, मेरे को तीन छोटे बेटियां हैं, एक बेटा है मेरा। बहुत ज्यादा जुल्म हो जा रहा है लोगों का मेरे हस्बैंड के ऊपर। गांजा बेचो ने तो गांजा ला के दियो बोल के बहुत ब्लैकमेल कर रहे हैं। आज मार लिए, जान जान निकल जाती। किस चीज से मारे आपको मालूम है? कुछ कत्ते से मारे बोल के बोल रहे। गांजा ला के ले देने की वजह से मारे? गांजा ला के ले देने की वजह से मारे, चाकू से मारे। तो आपके हस्बैंड छोड़ दिए ये मैं नहीं कर रहा हूँ बोले तो भी गांजा ला के दियो बोल के मारे? जी हाँ, जानलेवा हमला हुआ उनके ऊपर, गांजा ला के दियो बोल के। कंप्लेन करे आप लोग? कंप्लेन बालापुर पीएस में करे। क्या हुआ, पुलिस वाले कोई आए थे? नहीं, यहाँ है पीएस हॉस्पिटल में है। कैसी है कंडीशन आपके हस्बैंड की? सीरियस है सर। क्या बोले डॉक्टर, क्या बोले? अभी डॉक्टर तो कुछ भी नहीं बोल रहे, मेरे को अंदर जाने भी नहीं दे रहे, कुछ बोल रहे भी नहीं। बहुत ज्यादा मारा लगे हुए, गर्दन पूरी आधी गर्दन कटी हुई है बोल रहे, मैं देखी भी नहीं अभी। पेट पे भी फसलियों का नहीं कटा हुआ है, गर्दन कटा हुआ है, कान भी कट गया बोल रहे, कलाई गर्दन कान तकरीबन मारा, जिस्म पे बहुत सारे लगे हुए। अकेले आदमी को निहत्ते आदमी को ऐसा कौन मारते? आदिल बारक भाई लोगों का बहुत ज्यादा जुल्म हो जा रहा है मेहताब के ऊपर। मेरे को कानून से इंसाफ होना है सर, मेरे को छोटे छोटे बच्चे बच्चे वाला चार छोटे छोटे बच्चे वाले